वन मंत्री सुबोध उनियाल के कोटद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कोटद्वार की लाइफलाइन कहे जाने वाले लालढांग चिलर खाल मोटर मार्ग को लेकर कहा कि ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि इस मार्ग का निर्माण जल्द हो जाए। रूप से ये मामला जो कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से जो आम आदमी की जो जरूरत है वो पूरी हो और उस मांग के लिए, क्योंकि आपकी विधायक जी भी बहुत इसको लेकर के चिंतित रहती है और हमारे विभाग भी सकारात्मक सोच के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय को इस सड़क के बारे में जितना सकारात्मक रह करके इसके अनुमति मिल जाए इसके लिए प्रयास करेगा। तो क्या लग रहा है देखिए, सारी हमेशा आदमी को आशावादी होना चाहिए, आशावाद ही सफलता का रास्ता दिखाता है। मसूरी में इन दिनों मॉल रोड के निर्माण का काम चल रहा है। मॉल रोड के सभी चौराहों के स्वरूप बदलने की तैयारी चल रही है। सौंदर्यीकरण के काम को फाइनल टच दिया जा रहा है। मॉल रोड पर हो रहे कामों को लेकर लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही है, मगर प्रशासन का कहना है कि मुख्य चौराहों पर काबल स्टोन लगाए जाने को लेकर कुछ समय के लिए मार्ग के कुछ हिस्से को बंद करके काम किया जाता है, जिससे लोगों को कम परेशानी हो। ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि चौक बंद, कहीं पर भी चौक बंद नहीं है हमारे, सब जगह खुले पड़े हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं। यात्रियों का हम सबसे पहले यात्रियों को ही देख रहे हैं कि वो आए, अपने आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और चौक हमारा ग्रीन चौक चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है हमारा, वो बेहतर ढंग से हो जाए, हमारा निपट जाए। उसके लिए हमने थोड़ा एक गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद किया हुआ है। स्कूटर तो निकल रहे हैं हमारे, लेकिन लोकल लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर भी चल रहा है, यात्री लोग सभी चल रहे हैं। तो सर कब तक ये माल रोड का काम खत्म हो जाएगा? चौक यही रह गया है, इसके बाद और कौन सा चौक? ये चौक हमारा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोबल का काम कब तक चलता रहेगा? कोबल काम तो साइड वाला काम है, वो 5-7 दिन लगेंगे। और तो इसका मतलब आप बढ़िया फिनिशिंग की हो रहे हैं लास्ट में, बहुत बढ़िया तरीके से और सुंदर दिखेगा। बढ़िया, हमारा मसूरी बहुत सुंदर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। लगभग 7 करोड़ रुपये रिलीज़ किया गया था मसूरी माल रोड के ब्यूटीफिकेशन के लिए और इस डामरीकरण के लिए, जो कि काफ़ी समय होने के बाद आज हमको सपना दूर हुआ है कि हमारी सुंदर माल रोड, अच्छी माल रोड, हर चौराहे पे कॉबलिंग जैसे विदेशों में देखने को मिलती है, ये सुंदर है। अब हमें अच्छा भी लग रहा है, टूरिस्ट भी जब आ रहा जा रहा, थोड़ा परेशान जरूर हुआ है, लोकल लोग भी परेशान हुए, लेकिन आज सबका कहना है कि जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ, 90% काम पूरा कर लिया गया। इसके लिए हम जिसको थोड़ी बहुत कठिनाई टूरिस्ट को, लोकल को भी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको एक सुंदर और बढ़िया मसूरी अब देखने को मिल रही है, जो तार ऊपर नीचे चारों तरफ माल रोड में दिखाई देते थे अब कहीं नहीं है। पानी की लाइनें सब अंडरग्राउंड हो चुकी है, हर चौक चौराहे की वजह चौक चौबंद कर दिया गया और ब्यूटीफिकेशन का माल रोड काम लगभग पूरा हो गया। वन विभाग की आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है और जांच में एसपी सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। शासन द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था रेणुका और एक एसपी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आईओ दावित की गई है और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को दावित करा सकते हैं, को ऑप्ट करा सकते हैं। ये ऑर्डर है, इधर ऑर्डर के मुताबिक एसआईटी के सुपरविजन ये हमारे डीआईजी एलो करेंगे। सर प्रकरण क्या रहा सर? ये पूरा ये 2 मुकदमे पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचने। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खटीमा के दौरे पर भी पहुंचे। इस दौरान अजय भट्ट मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करवाए गए कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में महासंपर्क अभियान चल रहा है। इस दौरान अजय भट्ट ने नानकबत्ता में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। अपने लोगों के बीच में हमारे सभी कार्यकर्ता, जिस तरह से मैं इस समय नानकमत्ता की बाजार में हूँ, इसी तरह से पूरे प्रदेश में और देश में जगह जगह पर कार्यकर्ता लोगों के बीच में
जाकर अपने 9 साल की उपलब्धियां, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी के आने के बाद भारत का कायाकल्प हो गया, आप जानते हैं। जन जन को पता लगना चाहिए, जैसे मैंने प्रतीकात्मक यहाँ पर आज शुरुआत करी है, हमारे कार्यकर्ता ऐसी शुरुआत गांव गांव में करेंगे, जो जिस गांव का रहने वाला है हर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। और लोगों को पता है ही वैसे देश की स्थिति कितनी अच्छी है, पाकिस्तान में तो तलवारें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं आटे के लिए, जो जिसने चित्र देखा होगा आटे के लिए, वो कहता था एटम बम मार देंगे भारत में, आज आटा एटम बम हो गया। और हम लोग जिस दिन से कोरोना आया 80 करोड़ और इस समय भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, कितना बड़ा अंतर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।